हेलो फ्रेंड्स, समीर इज हियर अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ कैलिडोस्कोप इलेक्टिव इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर टू एवलाइन शुरू किया था, जिसका पार्ट वन मैंने डन किया था। फ्रेंड्स, पार्ट टू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक। वह तो अब एक दूसरी जिंदगी जीने वाली थी फ्रैंक के साथ। फ्रैंक वॉज वेरी काइंड, मैनली, ओपन हार्टेड। फ्रैंक एक बहुत ही दयालु, एक अच्छा इंसान और खुले दिल का था। शी वॉज टू गो अवे विद हिम बाय द नाइट बोट टू बी हिज वाइफ एंड टू लिव विद हिम ब्यूनस आयर्स वेयर ही हैड अ होम वेटिंग फॉर हर। उसे तो उसके साथ नाइट वाली बोट से जाना था, उससे शादी करनी थी और उसके साथ ब्यूनस आयर्स में रहना था, जहाँ फ्रैंक का अपना एक मकान एवलाइन का इंतजार कर रहा था। हाउ वेल सी रिमेम्बर्ड द फर्स्ट टाइम सी हैड सीन हिम। कितने अच्छे से याद करती है कि जब वह उससे पहली बार मिली थी, उसने जब उसे पहली बार देखा था। ही वॉज लॉजिंग इन अ हाउस ऑन द मेन रोड वेयर सी यूज टू विजिट। वह मेन रोड पर किसी एक मकान में रहता था, जहां से वह अक्सर गुजरा करती थी। इट सीम्ड अ फ्यू वीक्स एगो। ऐसे लगता था जैसे कि मानो अभी कुछ ही हफ्ते बीते हों। ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, हिज पीक्ड कैप पुश्ड बैक ऑन हिज हेड एंड हिज हेयर टम्बल्ड फॉरवर्ड ओवर अ फेस ऑफ ब्रॉन्ज। वह गेट पे खड़ा था और उसने अपनी कैप उतारी, और कैप उतारते ही उसके जो बाल थे ना, उसके चेहरे पे जा गिरे। चेहरा कैसा था? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, दिस वॉज अ मेटल। फ्रेंड्स, देन दे हैड कम टू नो ईच अदर। फिर क्या, तब से वो एक दूसरे को जानने लगे। He used to meet her outside the stores every evening. अब वो हर शाम उससे उसके स्टोर के बाहर मिला करता। And see her home, यानी उसको छोड़ने जाता। फ्रेंड्स, He took her to see the Bohemian girl. And she felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theater with him. वह उसे द बोहेमियन गर्ल, जो कि एक मूवी है, वो दिखाने ले गया। थिएटर के ऐसे किसी हिस्से में उसे बैठने की आदत नहीं थी, जिससे वह बहुत ही एक्साइटेड थी। इलेटेड मीन्स एक्साइटेड। ही वॉज ऑफली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड सैंग अ सॉन्ग। वह म्यूजिक का बहुत बड़ा दीवाना था और वह गाता भी रहता था। पीपल न्यू दैट दे वर कोल्टिंग। लोगों को ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। एंड वेन ही सैंग अबाउट द लैस दैट लव्स अ सेलर, सी ऑलवेज फेल्ट प्लीजेंटली कन्फ्यूज्ड। जब वह किसी लेस मीन्स गर्ल, तो किसी लड़की पर जब वो गाना गाता जो किसी सेलर से प्रेम करती थी, तो आनंदित होकर ख्यालों में खो जाया करती थी। ही यूज टू कॉल हर पॉपेंस आउट ऑफ फन। वह मजाक मजाक में उसे पॉपेंस मीन्स डॉल कहकर बुलाया करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एन एक्साइटमेंट फॉर हर टू हैव अ फेलो एंड देन सी हैड बिगन टू लाइक हिम। उसका भी कोई साथी है, ये बात उसे एक्साइट करती थी। फिर क्या, वह बाद में उसे पसंद करने लगी। ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज। उसके पास दूर देशों की कहानियाँ थीं। ही हैड स्टार्टेड एज अ डेक बॉय एट अ पाउंड अ मंथ ऑन अ सिप ऑफ द एलन लाइन गोइंग आउट टू कैनेडा। वह एवलाइन को बताता कि कैसे, किस तरह से पर मंथ अ पाउंड एज अ डेक बॉय के तौर पर उसने काम करना शुरू किया था। किस सिप पर? एलन लाइन के एक सिप पर, जो कि कनाडा को जाती थी। ही टोल्ड हर द नेम ऑफ द शिप ही हैड बीन ऑन। वह उसे ये भी बताता कि वह जिन जिन शिप्स पर काम कर चुका था, एंड द नेम ऑफ द डिफरेंट सर्विसेस, और उन तमाम जगह जिसने उसने काम किया था उनके नाम बताता। ही हैड सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगलेन। उसने स्ट्रेट्स ऑफ मैगलेन तक का सफर तय किया था। स्ट्रेट्स मीन्स जल संधि, यानी वहां तक की वो समुद्री यात्रा कर चुका था। एंड ही टोल्ड हर स्टोरीज ऑफ द टेरिबल पैटागोनियंस, और वह उन पैटागोनियंस की कहानियां सुनाता। पैटागोनिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। फ्रेंड्स, ही हैड फॉलन ऑन हिज फीट इन ब्यूनस आयर्स।
वह उनके पैरों में जा गिरा था। कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स में। ही सैड, उसने कहा, एंड हैड कम ओवर टू द ओल्ड कंट्री जस्ट फॉर अ हॉलीडे। उसने यह बताया कि वहाँ पर वह सिर्फ और सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आया था। ऑफ कोर्स हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर। आखिरकार एवलाइन के पापा को सारी घटना के बारे में मालूम पड़ ही गया कि क्या माजरा है, क्या चल रहा है। एंड हैड फॉरबिडन हर टू एनीथिंग टू से टू हिम। और उन्होंने, एवलाइन के फादर ने मना कर दिया कि ऐसा है, चुपचाप जो कहता हूँ वो सुनो और कुछ भी उससे जाकर कहने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आई नो दिस सेलर चैप्स, ही सेड। उसके पापा ने साफ तौर पे कह दिया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन सेलर चैप्स को। चैप्स फ्रेंड्स यानी पीपल। वन डे ही हैड क्वारल्ड विद फ्रैंक एंड आफ्टर दैट ही हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली। और क्या हुआ, उनके पापा ने फ्रैंक से झगड़ा कर लिया। उसके बाद क्या था, उन लोगों को यानी इन दो प्रेमियों को गुपचुप तरीके से मिलना पड़ता था। द इवनिंग डीपेंड इन द एवेन्यू। अब शाम और गहरी हो चुकी थी। द वाइट ऑफ टू लेटर्स इन हर लैप ग्रीव इनडिस्टिनिक्ट यानी अनक्लियर थे। मीन्स उसमें क्या लिखा था ये नहीं पता। वन वॉज टू हैरी, द अदर वॉज टू हर फादर। एक पत्र उसने अपने भाई हैरी के नाम और जबकि दूसरा पत्र अपने पिता के नाम लिख रखा था। अर्नेस्ट हैड बीन फेवरेट, अर्नेस्ट उसका पसंदीदा भाई था। बट सी लाइक्ड हैरी टू, लेकिन वह हैरी को भी पसंद करती थी। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली, धीरे धीरे उसके पापा बूढ़े हो रहे थे। सी नोटिस्ड, उसने गौर किया, ही वुड मिस हर, शायद उसके पापा उसे मिस करें उसके जाने के बाद। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, कभी कभी उसके पापा बहुत अच्छे भी हुआ करते थे। नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले की बात नहीं है, व्हेन सी हैड बीन लेड अप फॉर अ डे, किसी दिन जब वो बिस्तर पे पड़ी रहती, ही हैड रेड हर आउट अ घोस्ट स्टोरी। वो क्या करते, उसको घोस्ट की यानी भूतों की कहानी सुनाया करते। एंड मेड टोस्ट फॉर हर एट द फायर, और उसके लिए टोस्ट बना कर लेके आते। अनदर डे व्हेन देयर मदर वॉज अ लाइव, ये तब की बात है जब उसकी माँ जिंदा थी। दे हैड ऑल गॉन फॉर अ पिकनिक टू द हिल ऑफ हाउथ, वो हिल ऑफ हाउथ में पिकनिक मनाने भी जाया करते। सी रिमेंबर्ड हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बोनेट टू मेक द चिल्ड्रन लाफ। एवलाइन के फादर उसकी माँ के कपड़े पहन लिया करते थे ताकि वो उसको हंसी आ जाए। हर टाइम वॉज रनिंग आउट, बट सी कॉन्टिन्यू टू सिट बाय द विंडो, लीनिंग हर हैड अगेंस्ट द विंडो कर्टन, इनहेलिंग द ओडोर ऑफ डस्टी क्रेटन। समय खत्म हो रहा था लेकिन अभी भी वह उसी खिड़की के पर्दे के सहारे सिर टिकाए हुए बैठी थी। डाउन फॉर इन द एवेन्यू सी कुड हियर अ स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, कहीं दूर नीचे में वह किसी को ऑर्गन बजाते हुए सुन सकती थी। सी न्यू द एयर, वह इस हवा को बहुत अच्छे से पहचानती थी। स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रोमिस टू हर मदर, लेकिन ये हवा कुछ अजीब थी जो उसने अपनी माँ से प्रोमिसेस किए थे, शायद उसकी याद दिला रही थी। हर प्रोमिस टू कीप द हाउस टुगेदर एज लॉन्ग एज सी कुड, ये प्रोमिसेस जो उसकी माँ ने उससे कर रखे थे कि जहाँ तक हो सके इस घर को बनाए रखना। शी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, शी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल एंड आउटसाइड सी हर्ड अ मेलनकॉली एयर ऑफ इटली। वह याद करती है माँ की बीमारी की उस आखिरी रात को, वह फिर से उस अंधेरे कमरे में थी जो कि हॉल के दूसरी ओर था। इतना ही नहीं, वह इटली की उस मेलनकॉली, मेलनकॉली मीन्स लाइफलेस है ना, नीरस हवाओं को महसूस कर सकती थी। उसने उन हवाओं को महसूस किया था। हैड बिन ऑर्डर टू गो अवे एंड गिवन सिक्स पेंस, और उन प्लेयर को वहाँ से जाने के लिए सिक्स पेंस दिए गए थे। फ्रॉम सेइंग डैम्ड इटालियंस कमिंग ओवर हियर, उसे यह भी याद है कि किस तरह उसके पापा उस बीमार कमरे में आए थे
यह कहते हुए कहां से ये इटालियंस आ जाते हैं. लेट इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस सैक्रिफाइसेस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस. म्यूज्ड मीन्स पॉन्डर्ड यानी सोचा. माँ की जिंदगी का वो दयनीय नज़ारा उसकी आंखों के सामने था. माँ के आखिरी दिनों के संघर्ष को देखना बहुत असहनीय था. वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी. सी ट्रेम्बल्ड एज सी हर्ड अगेन हर मदर्स वॉइस सेइंग कॉन्स्टेंटली विद फुलिस इंसिस्टेंस डेरेवॉन सरवॉन. वह कांप गई. ट्रेम्बल मीन्स कांपना. जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज़ को सुना वह लगातार जोर डालकर कह रही थी डेरेवॉन सरॉन, जिसका मतलब है एट द एंड ऑफ प्लेजर देर इज पेन, यानी खुशियों का अंत ही दर्द है.